बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6A। वेल स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 13 एंड 39। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 13:39 हमने लिख दी है, ठीक है। इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 13/39, ठीक है। 13 1s are 13 and 13 3s are 39, हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 1/3 हमारे पास आ गया। अब 1/3 है हमारे पास, तो हम 1:3 भी लिख सकते हैं। अगर ये 1/3 है तो इसे हम 1:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वाहिदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12 एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹9। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। जो टेक्स्ट बुक हैं, ₹12 की एक बुक है हमारे पास, ठीक है। तो 8 टेक्स्ट बुक की हमारे क्या प्राइस आ जाएगी। अगर 1 बुक की ₹12 प्राइस है तो क्या होगी, उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 का। इसी तरह एक स्टोरी बुक ₹9 की है तो 4 स्टोरी बुक्स कितने की हो जाएंगी, ₹36 की। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो हमने टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक की जो मेन प्राइस आई है उसकी रेशियो फाइंड करनी है, 96:36। अब 96/36 करें और इसकी कटिंग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8/3। अब 8/3 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम ऑफ ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹6300 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अब अगर इस पार्ट को देखें हम, मंथली इनकम है हमारे पास 7200, जिसके पैसे उसके खर्च हो जाते हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो 6300 है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेविंग फाइंड करनी है। तो सेविंग कैसे फाइंड करेंगे, 7200 माइनस 6300 करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी मंथली 900, ठीक है। अब ₹900 हमारे पास उसकी सेविंग आ जाएगी। अब हमने रेशियो किस में फाइंड करनी है, सेविंग में और इनकम में। इसी तरह 900:7200 हमारे पास आ जाएगा, 9:72। अगर ये टू ज़ीरो इनकी कटिंग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9:72। इसी तरह से हम 9/72 भी लिख सकते हैं, 9 1s are 9, 9 8s are 72, 1/8 आ जाएगा, और इसे हम 1:8 भी लिख सकते हैं, जो इसका आंसर है, ठीक है। आप बाकी जो क्वेश्चन है आपने 5, 6, 7 खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।